ये देखो सुनो आपकी शादी का कार्ड। शादी के हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ हुमा। और आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ जमशेदपुर ट्रिप की व्लॉगिंग। एक्चुअली मैं जमशेदपुर गई थी अपने कज़िन की शादी में, तो मैं आज आप लोगों से वो व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। और मैं आप लोगों से हर फंक्शन के व्लॉग शेयर करूँगी इंशाल्लाह, चाहे वो हल्दी सेरेमनी हो, मेहंदी सेरेमनी हो, वेडिंग सेरेमनी एंड रिसेप्शन। एंड अगर हम घूमने गए तो हम वहाँ के भी आपसे व्लॉग शेयर करेंगे। तो इसी के साथ अब हम पहुँच चुके हैं स्टेशन की ओर, तो और अब हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। और इसी के साथ हम बैठ चुके हैं ट्रेन में, और यहाँ से शुरू होता है हमारा जमशेदपुर का सफ़र, जो आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसी के साथ बने रहिए मेरे व्लॉग में आगे। और आप देख सकते हो यहाँ पर हिना अपना फ़ोन चला रही है, इसे थोड़ा लेटने का मन कर रहा है और धीरे धीरे ये लेट चुकी है। और सना यहाँ पर सोई हुई है कि वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और मैं भी थक गई थी, मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो अब मैं भी जा रही हूँ सोने को, और यहाँ पर स्टेशन पे गाड़ी रुक चुकी है। यहाँ पर पोछा भी लग रहा है, और अभी झाड़ू से सफाई भी कर गए हैं, मोप से पोछा करते हुए बहुत ही क्लीनिंग का ख्याल रखते हो, और मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और अब मैं खा रही हूँ ये झालमुड़ी, जो कि बहुत ही स्पेशल होता है ट्रेन की झालमुड़ी, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होती है। गांधी और बारिश, वर्क फ्रॉम ट्रेन, वो भी चाय के साथ। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है हमारा डिनर, हमने वेज थाली ऑर्डर की थी। जो 100 रुपए की थाली है, इसमें चावल है एंड दाल है और एक सब्जी परवल आलू की। और अब मैं खाने जा रही हूँ अपना डिनर। तो मैं और ये ट्रेन हमारी रुकी हुई है आसनसोल जंक्शन में। आप देख सकते हो इतनी रात हो चुकी है, टाइम है 2 रात के 2 बज रहे हैं, ट्रेन रुकी हुई है, अभी भी हमें पहुँचने में 4 साढ़े 4 है। एंड अब मैं जा रही हूँ सोने, मिलती हूँ आप लोगों से सुबह को। और आप देख सकते हैं कि सुबह हो चुकी है, और हिना और सना यहाँ पर तैयार हो रही है, और हम बिल्कुल पहुँचने ही वाले हैं जमशेदपुर। तो अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है, क्योंकि ये हमारा जमशेदपुर का पहला ट्रिप है, हम इससे पहले जमशेदपुर नहीं गए हैं। तो चलो इसी के साथ बने रहो हमारे ब्लॉग में आगे। पहुँच चुके हैं टाटा नगर जंक्शन, तो चलो मिलते हैं घर पे। हेलो गाइस, और हम पहुंच चुके हैं सोनम के घर, और ये है हमारी ब्राइड टू बी। इतना बुरे दिख रहे हैं,
विदाउट मेकअप ये बहुत ही खौफनाक दिख रही है। और आज ब्राइड टू बी का बर्थडे भी है सोनम का, तो सब बोले हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे टू सोनम, हैप्पी बर्थडे टू यू। अगर बनाना है ना तो इस तरफ हम घूम के बैठ जा रहे। चाय और टोस्ट, ज्यादा भूख लगी अपनी। और यहाँ पर सोनम हमें दिखा रही थी मुंह दिखाई मिरर जो उसने ऑर्डर किया था, एंड ये दूध पिलाने वाली रस्म के लिए ग्लास जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था वो दोनों, और साथ ही उसने एक क्लच अपने नाम के और अपने हस्बैंड के नाम का कस्टमाइज़ करवाया था जो बहुत ही प्यारा लग रहा था, और वेडिंग कार्ड, तो इसके वेडिंग कार्ड भी बहुत बहुत अच्छे थे। ये है मेरी खाला अम्मी, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है खाला अम्मी। सलाम कीजिए सबको। सलाम वालेकुम। उसके बाद मैं दिखाने लगी यहाँ पर जो मैंने खाला में खालू अब्बा और सोनम के लिए गिफ्ट्स लाए थे शादी के लिए, जो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आगे बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। नहीं तुम वो वाला प्योर, तुम इस कलर का बनवा के भी ये कर सकती हो। हाँ बन जाएगा। और सोनम की वो सोनम को पसंद नहीं आते हैं, बहुत सुंदर है। हेलो गाइस, आप देख सकते हो ये मैंने सोनम के लिए गिफ्ट किया, पता नहीं वीडियो में ये कैप्चर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, कलर कैसे। ये सामने से बहुत सुंदर है, सामने से सोनम को पसंद आ गया, बहुत ज्यादा सुंदर है। चलो चलो, और अब सोनम का चप्पल दूसरे से, पहले अब ये आप देख सकते हैं काला अम्मी के लिए लेकर आई हूँ अपनी। ये तो सना ही खरीदी, ये पाकिस्तानी पैटर्न है ना, बहुत सुंदर है। रुको हम वो लेकर आते हैं सैंडल, खालू अब्बा को भी दिखाएं, उनको देखने में कोई मजा नहीं आएगा, ऐसे ही बस देख लो, रख देना। रुको आते हैं वो वाला लेके। आगे देखिए, पहली बार तुम शर्मा के भागे हैं। देखिए माशाल्लाह, ठीक है, बोल दी मुझे सब दिखा रहे हैं अपनी बहन को। भूख लग, बहन तो भूख लग, हमारी जिया है जिनकी जिंदगी शादी के बाद। देखिए शादी तो हो ही जाएगी। वाह, क्योंकि सोनम ने गलत साइज बताया है और बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को। अच्छा हो जाएगा, सो नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। देखिए खालू का कपड़ा छोड़ के आ गए हैं, पैरों में बहन की भी दिखाती हूँ। ये खाला अम्मी का है, ये मेरे नाप का है इसलिए मैं रखूंगी। है तुम्हारा तो वही वाला हिल वाला जो दिखाए थे, ये सोनम की, ये सोनम के ड्रेस से मैच, ये सोनम की ड्रेस से मैच प्यारे है, ये मेरे ड्रेस का मैचिंग है। वाओ मस्त लग रहे हैं सच में, आ गया ना साइज, मुश्किल से तो हम साइज मेरा 6 ही है। अच्छा हां, 6 हल्का सा, इतना सा बड़ा दे हल्का, बहुत प्यारा है सब, बना सब कुछ हमारी से बहुत ही प्यारा है। ये दोनों ही सैंडल्स बहुत प्यारी हैं, सो नाइस। तो एक मिनट खालू अब्बा का मैच, खालू अब्बा का तुम भूल कर आ गए, हमको भी ऐसा लग रहा है। हाँ कोई बात नहीं, बाद में नहीं। अरे सही में नहीं है, इसका चेहरा देखो, अरे सच में नहीं है, परेशान क्यों हो रही है, पागल हो क्या तुम, इस ट्रॉली में क्यों ढूंढ रही हो, उस ट्रॉली में होगा, उसी में होगा, वो तुम्हारे ससुराल में था, तुम टांगी थी ना। हाँ यही था, किसी की शादी में, याद नहीं किसके, इनके शादी में। अच्छा हाँ, पर ये छोटे हैं। कॉल करो प्लीज, क्या करें, कॉल करो।
का तो है यहाँ चूड़ी, वो नहीं बोल रहे है तो मत रोइए, ये सोनम का चूड़ी है, खा लो सोना। इतना मेरे को पसंद था इसके चक्कर में ऐसे ही है, बट थोड़ा ना ऐसे दिखाएंगे आपको यार, पहले मेरे को देखना दो। ये ये चूड़ी सोनम अपी की है, ड्रेस से मैचिंग, सैंडल से मैचिंग, सैंडल से मैचिंग। और हला में कौन सा है? ये वाला है, ये बहुत प्यारा है, सभी बहुत प्यारे हैं। हमको लगता है मेरा कुछ ड्रेस रह गया है। खाली अब्बा का दिखाओ अपनी ड्रेस, उनका तो कपड़ा है रेमंड का, क्योंकि वो नहीं पहनते हैं रेडीमेड क्लोथ के लिए, सिर्फ फैब्रिक लिया गया है। हो गया, लो देखो खाली, एक चूड़ी है और ये मेरा लहंगा जो मैं पहनने वाली हूँ एंगेजमेंट का। ठीक है, एक मिनट, एक और लहंगा हम निकाल रहे हैं, उसका भी ब्लॉग बना मेरी खाला मॉम की तरफ से। ओ हाँ, वो भी तो दिखा। और एक और चीज तुम्हारे पास और ये है तुम्हारे शौहर, तुम्हारे हमसाया हम सफर के लिए रिंग। बहुत प्यारी अम्मी वाला रिंग भी है, हम दिखाते हैं थोड़ी देर में। दिखा अम्मी वाला रिंग, ट्रॉली इधर। अच्छा ट्रॉली में, ठीक है। और ये है अम्मी की तरफ से सोनम के लिए, ये सोनम की खाला जान की तरफ से यानी मेरी मॉम की तरफ से ये। वाह अच्छा है, खूबसूरत। नाइस, ऑसम, बहुत प्यारा और दुपट्टा भी बहुत ही ज्यादा प्यारा है। एक मिनट, दुपट्टे में ना हम थोड़ा अच्छा लेस लगा, अच्छा लग रहा है, वर्क अच्छा है ना। पसंद मेरा है ना, रुमाल मतलब। ये वही लड़की है जो ब्राइडल से टाने की खुशी में पागल हो रही है। एक वीडियो का डैडी ने मुंह तोड़ देंगे तेरा, मेरा मुंह तोड़ेंगी। लीजिए, नहीं आप खोलिए, हम अपना लेते हैं वीडियो। तो ये मेरी सोनम बाबू यानी दुल्हन हमारी ब्राइड का ब्राइडल सेट, जो पता नहीं दो पैसे का है। दो पैसे का नहीं है, कितने का है? 7500 का है, लेकिन एक्स्ट्रा 4-5 बीट्स लगवाए ना, 500 और ली। कैसे खोलेगा इसको, वो दो ना, कैसे दो इसको ब्राइड के। इस तरह से बेदर्दी की तरह, इस तरह से ब्राइडल सेट कौन खोलता है यार, इतनी बेदर्दी के साथ कुरियर को खोला गया है। आयशा, अरे यार सीजर से हो जाएगा, ऐसे मत करो। ये देखिए मेरी बहन इतनी जुल्म कर रही है मेरे ब्राइडल सेट पर, और होगा जुल्म, फिर भी ये खुलने का नाम नहीं ले रहा, और ये अब फाइनली खुल चुका है, लेकिन इसके अंदर भी टेप इतना सिक्योर, क्योंकि हम बहुत ज्यादा लेजी हैं, हमारे दिल का मन नहीं कर रहा है कि हम चूड़ी या चाकू या कैंची लेकर आए। डबल मेहनत करेंगी बैठे बैठे, लेकिन सिंगल मेहनत उसके नहीं करेंगी, नहीं क्योंकि हम कोड़ी हैं, कोड़ा है। अब इसके लिए चाहिए, इसको रुके चाहिए। अब सोनम इसको खोलते हुए फाइनली बिस्मिल्लाह रहमान रहीम,
वाओ, ये ब्राइडल सेट आ चुका है। सो नाइस। चलो, और ये है हमारी ब्राइड का ब्राइडल सेट। चलो, ये इसमें कितने में लिया? 8,000। 8,000। वाओ, एक मिनट दिखाओ। वाओ, ये एक बीट से गिर चुका है। कहाँ तक गिरा है उसको हमको लगाना पड़ेगा। चलो, और आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा बीट्स लगवाए हैं हम इसलिए। वाओ, नाइस नाइस ना। हाँ, और ये है टीका। टीका देखो, इसमें रखो। ये है टीका, नाइस, अच्छा है। हो गया। तो ये है हमारी ब्राइड का ब्राइडल सेट। और अब मैं करवाने वाली हूँ आप लोगों के साथ अपने खाला के हाउस का टूर। और ये है ऊपर और इसको नीचे है, ये आप देख सकते हो। और अभी हम जा रहे हैं ऊपर की ओर। ये है हॉल, इधर भी ऊपर भी है कुछ रूम्स वगैरह। अभी कुछ हुआ नहीं है, बस होम पर दो रूम इधर। एक रूम इधर, लगेज वगैरह सबके। ये क्या है, ये किसका है रूम? इधर अंधेरा है। सी हाय। किसी को दिखा रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं बालकनी का व्यू है। यहाँ पर डेकोरेशन हो चुका है। मार्केट से खरीदी। यहाँ पर औरतों के डिस्कशन होते हुए। तो ये थी मेरी आज की व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की व्लॉग अच्छी लगी हो। और कल है हल्दी सेरेमनी, तो मैं आप लोगों से हल्दी सेरेमनी की व्लॉग शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अगर टाइम हो रहा तो मैं ज़रूर करूँगी, जल्दी करूँगी। और इसी के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोज़।